वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो जैसा कि आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, हमने इस सीरीज में लास्ट लेक्चर में पिरामिड शेप को स्टार्स की मदद से प्रिंट करके देखा था। आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को रिवर्स पिरामिड के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर एक डायग्राम है उसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पिरामिड शेप को प्रिंट करके देखा था, सेम एज इट इज आज हम रिवर्स पिरामिड शेप को प्रिंट करके देखेंगे स्टार्स की मदद से। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे आरवी पिरामिड। ठीक है, आरवी पिरामिड शेप, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो पिरामिड का शेप है ना उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब जितनी नंबर ऑफ रोज तक हमें स्टार्स को प्रिंट करना आता है वो नंबर हम पहले से फिक्स नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, वो यूजर से पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज तक वो हमारे स्टार्स को प्रिंट करना चाहता है, तो हम उससे यूजर से पूछेंगे। तो हम यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट में हम उससे यूजर से पूछ लेंगे कि प्लीज इंटर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये यूजर हमें दे देगा। लेकिन यूजर जब भी कोई इनपुट हमें देता है ना, तो उसका जो टाइप आता है वो स्ट्रिंग में आता है, तो हम इसकी टाइप कास्टिंग कर लेंगे इंटीजर में। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आएगी जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये डायग्राम है ना, इसको पहले डाउन में ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसको देखकर कोडिंग कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम को देख रहे हो, हमारे पास कॉलम और रोज है, तो हमें क्या करना होगा, दो फॉर लूप का यूज करना होगा, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और सेम एक कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है, देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो ना, उस रेंज तक आपके फॉर लूप को वो चलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं 100, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, तो देखिए आपका जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उससे हमें स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। पहले हम पिरामिड के शेप में क्या कर रहे थे, 0 to यूजर जो नंबर दे रहा था वहां तक, लेकिन अब क्या करना है, जो नंबर यूजर देगा वहां से लेकर 0 तक। तो हम यहां पर फर्स्ट आर्गुमेंट क्या देंगे, नंबर कोमा 0। ठीक है, लेकिन ये अभी भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं रहेगा, इसको हमें थर्ड आर्गुमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा -1। -1 क्या करता है, देखिए जब भी आप किसी आर्गुमेंट में थर्ड आर्गुमेंट पास करते हो तो उसमें -1 का मतलब होता है कि आपकी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लिस्ट बनाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट बनाकर समझा देता हूं। मान लीजिए ये लिस्ट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं -1, तो ये लिस्ट जो आपको आउटपुट में मिलेगी ना, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4, 3, 2, 1। तो आप समझ चुके होंगे कि जो -1 हमने थर्ड आर्गुमेंट पास किया है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम सेम काम करेंगे कॉलम के लिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। ठीक है, अब इसकी जो रेंज होगी वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी, देन कहां तक जाएगी, हमारे नंबर तक। अब ये होने के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो तो पर्टिकुलर रोज तक जाएगा, लेकिन हमें रोज को यहां पर माइनस करना होगा, तो हम यहां पर माइनस कर देंगे जिससे हमारा जो शेप आएगा ना वो डिक्रीज ऑर्डर में आएगा। देखिए हमारे जो कॉलम की वैल्यू है ना, देखिए 4, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, मतलब डिक्रीज होते हुए आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, यहां पर डिक्रीज करना होगा ना, तो उसमें से हम रोज को माइनस कर देंगे। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर ये सब होता है तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करना है, इसमें एंड फंक्शन का यूज कर लेंगे, एंड फंक्शन। लेकिन ये एंड फंक्शन क्या बोला है, देखिए आपके प्रोग्रामिंग में अगर कभी भी आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हो तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में स्पेस छोड़ देता है। लेकिन अगर आपको वो स्पेस नहीं चाहिए या फिर आप किसी भी लाइन के एंड में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी हर लाइन के एंड में 1, 2, 3 प्रिंट हो, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1, 2, 3। तो ये क्या करेगा, एज इट इज आपकी हर लाइन के एंड में 1, 2, 3 को एड कर देगा। लेकिन फिलहाल में हमें क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। देखिए किसी हमारे जितने भी स्टार है ना, अगर डायग्राम का आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो ये स्पेस है ना, यहां पर फिर जैसे जैसे मैं माउस से मार्क कर रहा हूं आप देखते जाइए, ये जो माउस से हम मार्क कर रहे हैं स्पेस को, ये स्पेस यहां पर प्रिंट होगा, इसको भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो ये जो हम स्पेस एंड फंक्शन में दे रहे हैं ये कहां पर प्रिंट होगा, ये मैं आपको डायग्राम में समझा चुका हूं। अब हम क्या करते हैं, हमें स्टार्स को प्रिंट करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन अगेन। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए हमारे कॉलम की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0। ठीक है, 0 to हमारी जो रोज रहेगी ना, नंबर ऑफ रोज जो यूजर हमें देगा वहां तक, तो हम नंबर ऑफ रोज तक प्रिंट कर देंगे। अगर ये होता है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को,
ठीक है, हम यहाँ पर स्टार लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको यूज करना होगा एंड फंक्शन। क्यों? देखिए एंड फंक्शन का काम होता है आपके लाइन के एंड में मॉडिफाई करना, आप जो भी मॉडिफाई करना चाहते हो। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे स्टार्स के बाद एक एक स्पेस आए, क्योंकि अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर तो हर स्टार के बाद आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, तो उस स्पेस को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे एंड फंक्शन में। अब आप बोलोगे सर हमारा काम हो चुका है, देखिये कोडिंग आपकी हो चुकी है लेकिन ये आउटपुट आपको प्रॉपर नहीं देगा। क्यों? ये मैं पूछूंगा पाइथन के इंटरप्रेटर से, तो मैं आपको यहाँ पर कोड रन करके दिखाऊंगा। ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, मैं पहले आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, रुकिए वेट करिए। देन ये पूछ रहा है इंटरनल नंबर ऑफ रोज, तो मैं यहाँ पर 5 इंटर करता हूँ, ये एक लाइन में आउटपुट देगा। देखिए एक लाइन में दे रहा है, क्यों? इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपका फोर लूप रन हो रहा है ना, तो होता क्या है कि ये एक ही लाइन में आपको स्टोर करके दे रहा है, क्योंकि इसको नई लाइन जनरेट करने के लिए हमने अभी तक कहीं पर भी कोड नहीं लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, ज्यादा आपको कोडिंग नहीं करना है, आप यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ता है, सेम एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट का बाय डिफॉल्ट एक काम और होता है कि वो जब भी यूज होता है ना आपकी प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम में, वो एक नई लाइन जनरेट करके देता है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी आपका फोर लूप रन होगा तो यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट तक आते आते उसको एक नई लाइन मिलेगी हर बार रन होने के बाद। तो आपके जो स्टार्स होंगे वो एक बार प्रिंट होने के बाद अगली बार जब रन होगा आपका फोर लूप तो नई लाइन में जाएंगे, नई लाइन में जाएंगे तो आपका शेप परफेक्टली आएगा। तो इस टाइम पर अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो परफेक्टली आंसर आना चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं 4, परफेक्टली गाइज देखिए 4। अगर मैं यहां पर इनपुट के डिजिट थोड़ा बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं अगेन रन करता हूं और यहां पर इनपुट करता हूं 8, परफेक्टली हमारा आंसर आ रहा है जैसा कि हम रिवर्स ऑर्डर में पिरामिड शेप को देखना चाहते थे, सेम एज इट इज आ रहा है। तो आई होप कि आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना पिरामिड को आ गया होगा, और लास्ट लेक्चर में हम ये भी जान चुके थे कि सिंपली पिरामिड शेप को आप कैसे स्टार्स की मदद से प्रिंट कर सकते हो। और हमने यहां पर देखिए बहुत सारे पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए। देन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए आप पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको टॉपिक मिल जाएंगे जिसको आप लर्न कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया, आप उनको सीख सकते हो, और पैटर्न प्रोग्रामिंग तो आप इजीली सीख सकते हो, कितनी इजी टू एक्सप्लेन हमने की है वो आप यहाँ पर आकर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।